के तहफात होने हैं, हत्या के जो हुकूमत की हरीफ जमाते हैं उनके तहफात भी खुलकर सामने आ गए। और साबिक लॉ मिनिस्टर साबिक जनरल शरीफ जनाब रजा रबानी साहब ने तो खुलकर कहा कि आपने हमें यहाँ सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए या रबर स्टैंप करने के लिए बुलाया है, तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। JUI जो PDM की एक अहम जमात है, उनके सेनेटर मुर्तजा साहब ने भी अपने तहफात का खुलकर इजहार किया। और तहरीक साहब तो पहले ही कह चुकी है कि हमें इस सारे अमल से बाहर रखा गया है। अब कितनी अहम लेजिस्लेशन कितनी उजरत पे होना समझ से बारातर है। देखिए जो तरामीम की गई उसमें जो मुझे खदशा है वो ये है कि जो केयर टेकर या निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट आइन में परोया गया था उसकी नफी कर दी गई है। अब अगर निगरान हुकूमत के वही इख्तियार होने हैं और उसे वही काम दिया जाना है जो कि एक मुंतखब हुकूमत किया करती है, तो फिर निगरान का कॉन्सेप्ट जो है वो बेमानी हो जाता है। और जहाँ मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि निगरान वजीर आजम पर जो नाम सामने आया डार साहब का, सरदार साहब का, उस पर भी शदीद तहफात सामने आए। किसकी तरफ से? उनकी अपनी जमात की तरफ से। किसकी तरफ से? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से तहफात सामने आए। और उन्होंने कहा कि ये तो पार्टीजन है और वो तो सारा उसी कॉन्सेप्ट का हवाला दिया और कहा उसकी नफी हो जाएगी अगर उनको नामजद कर दिया गया। तहफात का इजहार किया उन पर किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आपने देखा कि गुंडी साहब ने और सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने कहा कि तो नाम हमारे सामने आया ही नहीं है, इसका तो कोई तस्करा ही नहीं हुआ, ये तो अंडर कंसिडरेशन आया ही नहीं है, तो हम इस पर आमादगी का हमने इजहार कब कर दिया। आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत से तहफात आए, हत्या के कायदे हिजब इख्तलाफ जो एक तासुर है कि हुकूमती तकरीबन वो उनके हमदवाही हैं, उन्होंने भी अपने एतराजात जो है वो उनका बयान किया और अपनी रिजर्वेशन का खुलकर बयान किया। अब ये है इस वक्त जो निगरान सेटअप है उसके बारे में जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह हैं और आपने देखा कि पिछले दिनों में वो कराची तशरीफ ले गए और उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ फशिस्ते की मुख्तलिफ सियासी क़यादतों से एक तबादला ख्याल हुआ। और एक चीज जो वाजे तौर पर सामने आई वो ये थी कि उन्होंने जितने हजरात से वो मिले वो हजरात थे जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ समझे जाते हैं। तो दिखाई ये दिया कि मौलाना गालिबन सिंध की हद तक कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के बरक्स कोई जो अलायंस है उसको जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि PDM और उनके अलायंस में निगरान सेटअप हो, मुस्तकबिल के इलेक्शन हों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, उस पर कोई यकजहती और यकसी दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ साथ कल जो बहस हुई मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इस वक्त मुल्क के वजीर दिफा है, उनकी गुफ्तगु आपने सुनी कितनी गैर पार्लिमानी, कितनी गैर महजब गुफ्तगु थी। वो मुंतखब खवातीन सेनेटर्स के बारे में जो उन्होंने अफवाह सवाल किए, कचरा कूड़ा क्रिकेट गार्बेज, ये उनको सेब नहीं देते, ये उनके शराने शान नहीं है। और ये पहली मरतबा नहीं, ये पहले भी कर चुकी है। नेशनल असेंबली की वो नशिश याद है जिस नशिश में उन्होंने डॉक्टर शुई मजारी को निशाना बनाया था और कल उन्होंने वही जो है उसी को उस रीत को दोहराया है। अफसोस से कहना पड़ता है ये मुनासिब नहीं है और मैं उसकी मजम्मत करना चाहूँगा, पुरजोर मजम्मत करना चाहूँगा। खवातीन के बारे में, मुंतखब नुमाइंदगान के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में ये राय रखना और बरबरा इजहार करना बिल्कुल गैर मुनासिब है। इसके साथ साथ मैं एक गुजारिश का और करना चाहूँगा और वो है कि पूरी कौम देख रही है कि इस वक्त जो मीशत की कैफियत है, मीशत की कैफियत अच्छी नहीं है और उसके ऊपर पूरी कौम को दो नई खबरें दी गई। एक बिजली के बिलों में इजाफे की नहीं सुनाई गई और नेपरा ने भी कल उसको उसकी मंजूरी दे दी है कि हुकूमत की तजवीज थी और 7.5 रुपए/यूनिट का इजाफा मुकम्मल किए हैं। अगर इसको दीगर टैक्सेस को मिला लिया जाए तो ख्याल किया जा रहा है कि बिजली का यूनिट जो है वो 50 रुपए/यूनिट के लगभग होगा। इसके साथ साथ गैस का जो कीमतें हैं, प्राइसेस हैं, उनमें भी खाते खा इजाफा करने का फैसला कर दिया गया और 40% इजाफे की खबर आई है सामने। और जो बैंक से बोरिंग करते हैं लोग सरमायाकारी के लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मार्कअप जो है, वो 22% को छू रहा है। अब इन हालात में मुझे बताइए कोई सरमायाकारी करेगा तो क्यों करेगा? अगर करेगा तो क्या उसकी इन्वेस्टमेंट्स और उसकी प्रोडक्शन जो है वो कंपेटेटिव होगी? ये सब चीज़ें हैं जो काबिले गौर है। और आखिरी बात जो मैं आपकी पोस्ट गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि 17 दिन की मेहमान हुकूमत में जाते जाते 61 अरब की एक रकम जो है
डेवलपमेंट बजट में मुख्तस कर दी है अपने सरकारी मेंबरान पार्लियामेंट के लिए। अब उसमें से 51 अरब तो रिलीज भी कर दिए गए, और रिलीज कर दिए गए टोटल जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा किए बगैर। तो ये बड़ी सीरियस चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को उसका नोटिस लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को खामोश नहीं रहना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है तो लोगों में क्या तासुर जाएगा, किसी को आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? हर के लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम एक ऐसा निगरान सेटअप देखना चाहते हैं जो वाकईतन गैर जानेदार हो और शफाफ इलेक्शन कराने की उसमें अहलियत हो। पाकिस्तान की आवाम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं और तवक्को रखती है इलेक्शन कमीशन से कि वो ऐसा इलेक्शन मुनक्किब कराएंगे जिस पर लोगों को एतमाद हो। ये ना हो कि सारी एक्सरसाइज भी हो जाए और उसके बाद मुल्क में सियासी इश्तेहार। दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं चंद मालूमात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। एक तो पूरे मुल्क में चर्चा है जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया गया है। कल आपने देखा कि जॉइंट जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें भी आपने मुख्तलिफ लोगों के तहफ़ात सुने, हत्ता के जो हुकूमत की हरीफ जमातें हैं उनके तहफ़ात भी खुलकर सामने आ गए। और साबिक लॉ मिनिस्टर साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब रज़ा रबारी साहब ने तो खुलकर कहा कि आपने हमें यहाँ सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए या रबर स्टैंप करने के लिए बुलाया है। तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। JUI जो PDM की एक अहम जमात है, उनके सेनेटर मुर्तजा साहब ने भी अपने तहफ़ात का खुलकर इजहार किया। और तरीके साहब तो पहले ही कह चुकी हैं कि हमें इस सारे अमल से बाहर रखा गया है। अब इतनी अहम लेजिस्लेशन इतनी उजरत पे होना समझ से बालातर है। देखिए जो तरामीम की गई उसमें जो मुझे खदशा है वो ये है कि जो केयर टेकर या निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट आइन में परोया गया था उसकी नफी कर दी गई है। अब अगर निगरान हुकूमत के वही इख्तियार होने हैं और उसे वही काम दिया जाना है जो कि एक मुंतखब हुकूमत किया करती है, तो फिर निगरान का कॉन्सेप्ट जो है वो बेमानी हो जाता है। और जहाँ मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि निगरान वजीर आजम पर जो नाम सामने आया डार साहब का, सरदार साहब का, उस पर भी शदीद तहफात सामने आए। किसकी तरफ से? उनकी अपनी जमात की तरफ से। किसकी तरफ से? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से तहफात सामने आए। और उन्होंने कहा कि ये तो पार्टीजन है और वो तो सारा उसी कॉन्सेप्ट का हवाला दिया और कहा उसकी नफी हो जाएगी अगर उनको नामजद कर दिया गया। तहफात का इजहार किया उन पर किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आपने देखा कि कुंडी साहब ने और सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने कहा कि तो नाम हमारे सामने आया ही नहीं है, इसका तो कोई तस्करा ही नहीं हुआ, ये तो अंडर कंसिडरेशन आया ही नहीं है, तो हम इस पर आमादगी का हमने इजहार कब कर दिया। आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत से तहफात आए, हत्या के कायदे हिजब इख्तलाफ जो एक तासुर है कि हुकूमती तकरीबन वो उनके हमदवाही हैं, उन्होंने भी अपने एतराजात जो हैं वो उनका बयान किया और अपनी रिजर्वेशन का खुलकर बयान किया। अब ये है इस वक्त जो निगरान सेटअप है उसके बारे में जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह हैं और आपने देखा कि पिछले दिनों में वो कराची तशरीफ ले गए और उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ फशिस्ते की मुख्तलिफ सियासी क़यादतों से एक तबादला ख्याल हुआ। और एक चीज जो वाजे तौर पर सामने आई वो ये थी कि उन्होंने जितने हजरात से वो मिले वो हजरात थे जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ समझे जाते हैं। तो दिखाई ये दिया कि मौलाना गालिबन सिंध की हद तक कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के बरक्स कोई जो अलायंस है।